सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, इंडिया तुर्कमेनिस्तान रिलेशन. तो अभी हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो यहाँ पे स्टेट विजिट पे थे, ठीक है. एंड दिस वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय एन इंडियन प्रेसिडेंट टू तुर्कमेनिस्तान, ठीक है. तो तुर्कमेनिस्तान इंटरनेशनल रिलेशन में बात करें तो इट्स लाइक स्विट्जरलैंड, कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, ना वो SCO का पार्ट होता है, ना वो और किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है, ठीक है. तो एक जनरल थीम ऐसा याद रख सकते हो कि ये स्विट्जरलैंड के जैसा है, कहीं जाता नहीं है, न्यूट्रल रहता है, ठीक है. सो पहले ये USSR का पार्ट था, ठीक है. तो नेबर कंट्रीज थोड़ा देख लेना मैप वर्क में. तो कजाकिस्तान नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर उज़बेकिस्तान है, साउथ ईस्ट के अंदर अफगानिस्तान है, एंड साउथ वेस्ट में ईरान है, ठीक है. और कैस्पियन सी को टच करता है. तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर ये एक कह सकते हैं कि जो सी को टच कर रहा है, ठीक है. सो ये याद रख लेना, कैस्पियन सी को टच कर रहा है. फर्दर अभी इस विजिट के दौरान या जो रिलेशंस है दोनों के बीच में, उसमें करंट में यही था कि MOUs वगैरह साइन किए गए थे ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, कल्चर, यूथ अफेयर्स, ठीक है. एंड ऑल्सो वी वर सेलिब्रेटिंग द 30th एनिवर्सरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस. तो ये पता ही होगा, पहले USSR का पार्ट था. तो जैसे USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, तो ये सेंट्रल पांच सेंट्रल एशियन कंट्रीज बनी थी, ठीक है. और वहीं से मतलब नेक्स्ट ईयर 1992 से इंडिया और तुर्कमेनिस्तान के बीच में फॉर्मल रिलेशन एस्टैब्लिश हुए. तो इसलिए ये 30th एनिवर्सरी चल रहा है, ठीक है. पोस्टल स्टैम्प लॉन्च किया गया था इस दौरान. कैपिटल अशकाबाद है इसका, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए, इस अशकाबाद नाम से एक एग्रीमेंट भी है, आगे देखेंगे उसको. तो इंडिया एक बहुत ही क्लोज फ्रेंडली और हिस्टोरिकल टाइज है. इंडिया तुर्कमेनिस्तान के साथ अपना रिलेशन जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी है उसके अंडर एनफिसाइज करता है कि हाँ तुर्कमेनिस्तान के साथ इंडिया का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ठीक है. सो हमारे टाइज जो है वो क्लोज है, फ्रेंडली है, हिस्टोरिकल है. प्लस दीज डेट बैक टू सेंचुरी सेंचुरी ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चरल लिंकेजेस. इनफैक्ट अभी जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई है उससे पता लगा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिंक एज फार एज तुर्कमेनिस्तान में था, ठीक है. जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा था शॉर्टगई नाम से एक ट्रेडिंग पोस्ट था, तो यहाँ से वो लोग लैपिस लजूले ऊपर से ही लेके आते थे सेंट्रल एशिया से. तो उस सेंस में लिंक तुर्कमेनिस्तान तक मिले. और कुछ और हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो दिल्ली में तुर्कमान गेट है. तो जो दिल्ली का जो शाहजहानाबाद है ना, वो एक गेटेड सिटी थी. मतलब उसमें ना आज भी जाओगे पुरानी दिल्ली जिसको बोलते हैं, तो यू विल फाइंड ऑल दोज गेट्स. तो उनमें से एक गेट ये तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेन नाम गेट नाम से रखा गया था. तो ये एक टाइज को रिप्रेजेंट करता है के दोनों कंट्रीज के बीच में, मतलब इतने हिस्टोरिकल टाइज है. नेक्स्ट एरिया ऑफ एंगेजमेंट देख लेते हैं कौन कौन से डायमेंशन में. तो वो पेस्टल वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वही लगाना होता है. पॉलिटिकल देख लो, इकोनॉमिक देख लो, सिक्योरिटी देख लो, ठीक है. सो पहला अप्रोच पॉलिटिकल देख लेते हैं. सो इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान अभी इन दोनों गवर्नमेंट ने ये दो इनिशिएटिव लॉन्च किए थे. पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस एंड इंटर गवर्नमेंटल कमीशन, ठीक है. तो ये दो इनिशिएटिव लॉन्च किए थे टू फर्दर इंक्रीज देयर बायलेटरल कॉपरेशन, ठीक है. इसके अलावा ये दोनों कंट्रीज इंडिया और तुर्कमेनिस्तान ऑल्सो कॉपरेट अंडर इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग. तो सेंट्रल एशिया में वो पांचों कंट्रीज आ जाती है, लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू तुर्कमेनिस्तान, तो उस रेफरेंस में भी हम लोग इस इनिशिएटिव को लिख सकते हैं, ठीक है. फिर ट्रेड डील्स की बात कर रहे थे, तो नंबर तो याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. बस ये याद रख लेना बस 2029 में ये चीज जो है एक सरप्लस, इंडिया एंजॉयज ए सरप्लस ट्रेड विद रिस्पेक्ट टू तुर्कमेनिस्तान. यानी हम इतना इंपोर्ट नहीं करते जितना हम उनको एक्सपोर्ट करें, और काफी साइजेबल एक्सपोर्ट है अगर इंडिया का देखिए तो, ठीक है. मतलब ऑलमोस्ट 22.83 मिलियन डॉलर्स का सरप्लस है. सो इंडिया इंपोर्ट क्या करता है यहाँ से, तो सो तुर्कमेनिस्तान में क्या क्या जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, मशीनरी, वोवन अपैरल्स जाते हैं. और इंडिया में क्या आता है, तो इसमें फर्टिलाइजर, कॉटन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सेट्रा, ये इंडिया में आते हैं, ठीक है. सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगेन, बट जैसा इस बार वियतनाम में पूछा था प्री के अंदर, तो वैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ कोई कंट्री स्पेसिफिक हो सकता है, तो देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो एक ITEC प्रोग्राम है. कोई बता सकते ये प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज दिस प्रोग्राम अबाउट, ITEC, ठीक है.
ये इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, जिसके थ्रू वो कोशिश करता है कि बाकी कंट्रीज जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो गई, ईस्टर्न यूरोप, इस टाइप के जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको एक असिस्टेंस दे इस प्रोग्राम के थ्रू, ताकि दोनों कंट्रीज के भी जो भी कंट्रीज हैं इसके अंडर उनको एक बेनिफिट मिल सके बायलेटरल रिलेशंस में, ठीक है। सो एक वो कहते हैं ना सॉफ्ट पावर असर्ट करने वाली बात होती है कि आप उनके स्टूडेंट्स को इंडिया में बुलाते हो, कंसेशनल अमाउंट पे उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हो, तो ये एक सॉफ्ट पावर एग्जर्ट करने का एक एग्जाम्पल है। तो ये ITEC जो है ये प्रोग्राम ये यही चीज करने में हेल्प करता है, ठीक है, कि बाकी सब कंट्रीज को असिस्टेंस देता है इंडिया इसके थ्रू, ठीक है। सो उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इंडिया में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन इंडिया ऑल्सो प्रोवाइड्स ICCR स्कॉलरशिप, ठीक है। सो ICCR भी एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, किसी को पता है कि ICCR क्या है? सो ये है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। आई थिंक लास्ट ईयर थोड़ा सा न्यूज में था, बिकॉज ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उन्होंने शायद सेटअप किया था, ठीक है, या आई थिंक शायद वो इसको हेड करे थे पहली बार। तो उस सेंस में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके थ्रू हम लोग एक तरीके से फॉरेन रिलेशन से हम लोग एग्जर्ट कराते हैं अपने, तो ये चीज इसके अंदर याद रख लेना, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स के बारे में, आगे चलते हैं। कल्चरल टाइज भी हैं काफी सारे, तो इनफैक्ट ये 2015 में हिंदी चेयर वॉज एस्टैब्लिश इन द आजादी इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज अशकाबाद, ठीक है। तो वहां पे एक हिंदी के लिए भी एक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था, इसके अलावा हिंदी दिवस भी सेलिब्रेट होता है। बाकी ये बहुत ही ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है कि वो इंडियन सिनेमा भी देखते हैं, वो सब कोई काम का नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, सेंट्रल एशिया फर्स्ट योगा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन अशकाबाद इन 2015, ठीक है। सो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अपने जो कल्चरल इंफ्लुएंस है उसको एग्जर्ट कर रहे हैं वहां पे जाके, ठीक है। सो योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खुला था, ठीक है। फर्दर सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, बॉक्स को पहले देख लेते हैं। तो स्ट्रेटेजिक टाइज है, स्ट्रेटेजिक इन द सेंस कि तुर्कमेनिस्तान एक बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, वो भी सेंट्रल एशिया में, तो ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी कनेक्ट करता है, साथ ही साथ कैस्पियन सी के साथ एक लिंक देता है, ठीक है। सो उस सेंस में स्ट्रेटेजिक है। दूसरा पॉलिटिकल इस सेंस में है कि इसने सपोर्ट किया इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप चाहिए इंडिया को UNSC में, उसको इसने सपोर्ट किया, ठीक है। और अभी रिसेंटली जब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बना था, तो बेसिकली रीजनल ग्रुपिंग के अंदर पहले नॉमिनेशन होता है, फिर आपको इलेक्शन फाइट करना पड़ता है UNGA के अंदर, फिर जाके आप ये फाइनली बनते हो, ठीक है। सो वहां पे भी इंडिया का सपोर्ट किया था 2021-22 का जो नॉन परमानेंट सीट है उसके लिए। फिर तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारा इकोनॉमिक टाइज भी काफी अच्छा है, सरप्लस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, प्लस एनर्जी के रिस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाता है, तो इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट गैस रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारे और मिनरल्स हैं जैसे कि पेट्रोलियम, सल्फर, आयोडीन, इसमें भी रिच है, ठीक है, बेंटोनाइट, क्ले, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, इसमें भी काफी रिच है। ऑलराइट, सो आगे चलने से पहले एक बार ये मेजर इनिशिएटिव्स देख लो। सो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, तो ये एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी है जिससे इंडिया अपना जो रिलेशन है वो कार्व आउट करता है अक्रॉस द सेंट्रल एशियन रीजन, तो उसमें वो पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, कल्चरल कनेक्शन सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बात करी गई इस पॉलिसी में कि हम लोग तुर्कमेनिस्तान के अपने साथ रिलेशन जो है वो डीपर करें, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है, कुछ खास इसमें दिया उन्हें। नेक्स्ट INSTC, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। सो ये एक मल्टी मॉडल वो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, मल्टी मॉडल इन द सेंस कि सिर्फ लैंड रूट से नहीं जाएगा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे, यहाँ पे सीज का भी इस्तेमाल हो सकता है, एयरप्लेन्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो उस सेंस में मल्टी मॉडल है। तो कोशिश इसमें यह है कि हम रशिया को, सेंट्रल एशिया को और ईस्टर्न यूरोप भी हो गया, उन सबको कनेक्ट करें वाया ईरान या पर्शियन गल्फ, ठीक है, वहां तक हम लोग कनेक्ट करें, और इंडिया भी उसमें जुड़ गया है, ठीक है, बाद में। सो ये इंडिया का भी एक एम है कि हम लोग इससे जुड़े, और रशिया से जो आने वाला टाइम लगता है अभी पूरा वो घूम के आता है, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं एक फिगर है मेरे पास, ये फिगर दिख रहा है क्या? विजिबल ठीक है, सो ये फिगर देख सकते हो, अभी ये ब्लू रूट जो है ये स्टैंडर्ड रूट है। तो रशिया का ना व्लाडिवोस्तक वाला, यानी जो ईस्टर्न मार्जिन है
वो कोल्ड रहता है बिकॉज ऑफ कोल्ड वाटर करंट. कोई बता सकते कौन सा वाटर करंट होता है वहां व्लाडिवोस्तोक या ईस्टर्न रशिया के पास? क्यूरोशियो हाँ, क्यूरोशेवो रहता है वहां पे. क्यूरोशेवो इज अ कोल्ड वाटर करंट जिसकी वजह से वहां पे वो फ्रोजन रहता है वो वाला पार्ट. सो हिस्टोरिकली सारा जो ट्रेड होता है वो रशिया के वेस्टर्न मार्जिन से होता है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रहता है ना, तो वो वार्म रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो सी पोर्ट्स होते हैं वेस्टर्न मार्जिन पे खुले रहते हैं. तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सी, नॉर्थ सी और फिर मेडिटेरेनियन सी के रास्ते फिर ये हमारा स्वेज कैनाल हो गया. स्वेज कैनाल के थ्रू, रेड सी के थ्रू और फिर इंडिया आता था. ठीक है, सो ये स्टैंडर्ड रूट में कम से कम 40 दिन लग जाता था, लेकिन अगर हम ये वाला रूट डेवलप कर लेंगे INSTC वाला, तो ये ट्रांसपोर्ट टाइम जो ये कम होकर दिस वुड कम डाउन टू अराउंड 20 डेज या लेस देन 20 डेज. ठीक है, तो इतना फर्क पड़ जाएगा अगर ये INSTC सही से लॉन्च हो जाता तो. ठीक है, सो ये याद रख लेना थोड़ा सा डायग्राम. आप देखोगे रशिया है, फिर कैस्पियन सी है और कैस्पियन सी डायरेक्ट हमारा तुर्कमेनिस्तान के साथ खुलता है. ठीक है, तो उस सेंस में रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उससे मेंटेन करना हमारा. तो इतना था इसके अंदर, आगे चलते हैं. हाँ, सो इसके अलावा एक तापी प्रोजेक्ट है. काफी समय से हम तापी के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सारे इश्यूज के चलते ये एक्चुअली मटेरियलाइज हो नहीं पाया अभी तक. ठीक है, तो याद रखना तापी ये सब कंट्रीज के नाम थे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया. तो एक नेचुरल गैस के लिए ये एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था जो बनाने की बात की गई थी. तो ये तुर्कमेनिस्तान का ग्लेनिश जो गैस फील्ड है वहां से लेके इंडिया तक ये कनेक्ट कर रहा था. ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजिक रीजंस की वजह से प्रॉब्लम इंडिया ने नहीं किया. फिर अफगानिस्तान में जैसी कंडीशन है तो उसके चलते तो आई थिंक जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो सब रिवर्स हो गया है. ठीक है, लास्टली अशकाबाद एग्रीमेंट. तो अशकाबाद कैपिटल ही है तुर्कमेनिस्तान की. सो यहाँ पे याद रखना, इट एम्स टू एस्टैब्लिश एन इंटरनेशनल मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ. तो ये अशकाबाद एग्रीमेंट के थ्रू ये लोग बात करें कि हम INSTC में ही कनेक्ट हो जाए. ठीक है, सो ये है इसके अंदर. और चैलेंजेस देख लेते हैं. तो चैलेंजेस कनेक्टिविटी कंसर्न है. एक तो जोग्राफिक लोकेशन ऐसी है तुर्कमेनिस्तान की के बीच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाता है, एंड दोनों जगह जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है. एंड पाकिस्तान खासकर इंडिया के तो थोड़ा एंटी रहता है, तो एक स्ट्रैटेजिक एक बैरियर भी कह सकते हैं वो. ठीक है, तो उसके चलते काफी जो रिलेशन है वो जो डेवलपमेंट है रिलेशंस में वो इम्पीड होता है. ठीक है, तो वो ही रोक रहा है हमारा ग्रेटर इकोनॉमिक कॉपरेशन. तो उसका आपने ऑल्टरनेट निकाला था कि हम एक चाबहार पोर्ट के थ्रू रास्ता बनाएंगे जो कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगा, लेकिन वहां पे भी बिकॉज ऑफ काट्सा जो कि US ने लगाया तो ज्यादा डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है वहां पे भी. ठीक है, नेक्स्ट फर्दर द प्लांट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स आर फेसिंग फाइनेंशियल पॉलिटिकल सिक्योरिटी चैलेंजेस. ठीक है, तो ये पॉइंटर्स बड़े वैल्यू लोडेड है, जनरल से लग सकते हैं लेकिन हाँ वैल्यू लोडेड है कि फाइनेंशियल भी है, पॉलिटिकल भी है, सिक्योरिटी भी है. तो इन डायमेंशन में चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं. उसके अलावा अनरियलाइज ट्रेड पोटेंशियल. तो हमने देखा ट्रेड जो है वो $29 मिलियन का हो रहा है, लेकिन ये और बढ़ सकता है. ये अभी अपनी पोटेंशियल से काफी नीचे है. बहुत सारी ट्रेड रेगुलेटरी हिंड्रेंसेज है, पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी है, इसके चलते ये फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड जो है वो रुका हुआ है. ठीक है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस है. तो रेडिकलाइजेशन है, इंटरनेशनल टेररिज्म है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इलीगल माइग्रेशन है, ट्रैफिकिंग है नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में, और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम. ठीक है, तो ये सारे इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से टर्म्स हमने पढ़ी रखे हैं, तो ये सभी कोट करने हैं इसके अंदर. नेक्स्ट रोड अहेड. तो पहला है स्ट्रेंथनिंग कनेक्टिविटी करें. तो तुर्कमेनिस्तान ने एक्चुअली ये चीज बोला है अशकाबाद एग्रीमेंट के थ्रू कि हम लोग INSTC का पार्ट बनकर वो पूरा जो रीजन में इंक्लूड हो जाएंगे. ठीक है, तो एक तो अच्छा इनिशिएटिव है, उस पर ही वर्क करना चाहिए. दूसरा भी एक रीसेंट डेवलपमेंट हुआ था, तुर्कमेनिस्तान ने ये बोला कि इंडिया के साथ जितने भी प्रपोजल्स हैं उसमें हम इंश्योर करेंगे इंटीग्रिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. अब वो करेंगे कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग द बिजनेस प्रिंसिपल. ठीक है, इन वेरियस एग्रीमेंट पर्टेनिंग टू तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट. ठीक है, सो बिजनेस प्रिंसिपल करके थोड़ा सा फॉर्मलाइजेशन लाएंगे उन सब चीजों में. इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, IT, टेक्सटाइल, लेदर एक्सेट्रा. इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान हैज ऑल्सो एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन IC, इंडियन सोलर अलायंस एंड कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ये दोनों इनिशिएटिव इंडिया ने लॉन्च किया, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए इनके बारे में.
नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग टाइज एट जियोपॉलिटिकल लेवल, तो एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस दोनों कंट्रीज के बीच में डेवलप हो, ठीक है। तो हमने बात किया यूनाइटेड नेशन में हम लोग कोऑपरेट करते हैं, और भी कई फोरम्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा और इंक्रीज किया जाए और जो भी स्ट्रैटेजिक इश्यूज हैं उनके ऊपर खासा ध्यान दिया जाए। लास्टली ग्रेटर अटेंशन टू ऑल फैसेट्स ऑफ कल्चरल रिलेशन। तो कल्चरल रिलेशन एक तरीके की सॉफ्ट पावर होती है कि आप बिना कंट्री में कोई मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर इस्तेमाल किए फिर भी आप कंट्री को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो कल्चरल पावर्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो वो एक सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल है। सो इतना ही था इसके अंदर इंडिया तुर्कमेनिस्तान में। किसी को कुछ और ऐड करना है क्या? एनीवन? ठीक है, सो नेक्स्ट बात पर चलते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज इन शॉर्ट। तो रेमन सर स्टार्ट। सो ये वाला जो फिशरी को लेके इनिशिएटिव है थोड़ा सा इनलाइन है आईयूयू को लेके। सो आईयूयू फिशिंग क्या रहती है? इलीगल, अनरेगुलेटेड और अनमॉनिटर या अनसुपरवाइज, ठीक है। सो ये आईयूयू फिशिंग एक प्रिवेलिंग प्रॉब्लम है अदर मतलब हरी कंट्री में ऑलमोस्ट। सो बाकी कंट्रीज से करती है सच ऐसी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डायरेक्टली अपना एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ है अलग कंट्रीज से। सो से इक्वेडोर के अंदर आता है गैलापागोस आइलैंड्स, राइट। तो वहां पे अगर उसको फिशिंग करनी है सो इट हैज अ डायरेक्ट एग्रीमेंट विद इक्वेडोर कि आप मुझे अलाउ करो वहां पे जाकर। सो दिस इज अ रेगुलेटेड और फॉरेन एक्टर इसमें प्ले कर रहा है फिशिंग। सो इस तरह के मोड्स लाने के लिए सबसे पहले नेसेसिटी क्या है कि जो हम इलीगल फिशिंग कर रहे हैं उसको कर्व कर पाए, अनरेगुलेटेड को रेगुलेटेड कर पाए और अनमॉनिटर्ड को डिटेक्ट कर पाए, राइट। सो आफ्टर 26/11 हमारे काफी सारे एफर्ट्स उस वक्त लगे थे, उसके बाद से थोड़ा सा स्केल हो गया, बट अभी रिसेंट ईयर्स में क्योंकि फिशिंग हैज बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन मेनी कंट्रीज, राइट। वो कहीं ना कहीं मैरीटाइम में आप देख रहे हैं क्योंकि जमीन पे कुछ बचा नहीं है। सो इन रिस्पेक्ट टू दैट इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू पुल सम इनिशिएटिव्स। तो सबसे पहला अभी जो है जिसमें मेंशनड है वो है इंडिया एंड श्रीलंका को लेकर। So they have signed a memorandum of understanding for Bharat Electronics Limited to set up a state of the art maritime rescue coordination center MRCC in Colombo. So MRCC ka kaam kya rahega? It would be part of an international network under the UN's International Maritime Organization. Uska objective rahega swift response to emergencies such as vessels in distress etc, right? So jo KGF ke ending mein jis tarah se acha spoiler ho gaya, but KGF ke ending mein jis tarah se रॉकी भाग रहा होता है, सो लाइक उसके रिस्पांस में, राइट। सो एमआरसीसी वुड बी एबल टू कम्युनिकेट टू अदर आर्म व्हीकल्स कि भाई ये ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। देन वी अब जो मैरीटाइम टेरिटरी से वो तो हमने डिक्लेयर कर दी है, राइट, यूएन क्लॉज के तहत। सो एवरी कंट्री इज नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सर्च एंड रेस्क्यू missions. So the work of MRCC is to coordinate by the Navy or Coast Guard in each country. So in India, the Coast Guard is the coordinating agency. In Sri Lanka, it is the Navy. So agreement ka part hai ki Sagar initiative jo India ka chal raha hai, usko boost bhi mile and as well as India ki jo maritime security capabilities hai, usko enhance. ठीक है. उसके बाद अब IMO को लेके एक छोटा सा बक्सा है. Again, it's a specialized agency of UN. आगे अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन्स को लेके, सो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। मेनली इंडिया इज अ मेंबर एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इश्यूज जनरली इन मैरीटाइम इंडस्ट्रीज, सॉरी मैरीटाइम टेरिटरीज। क्या होता है? एक होता है कमर्शियल इश्यू, राइट, ऑयल यहाँ से वहां ले जाना है तो अडानी जी का कहीं जहाज अटक वटक ना जाए, राइट। सो वो होता है कमर्शियल। सेकेंड होता है दोज आर काइंड ऑफ वॉट वी कैन से मिलिट्री, नॉट मिलिट्री एग्जैक्ट बट अ क्रिमिनल सॉर्ट ऑफ इशू, राइट। जिसमें क्या हो गया कि किसी ने किसी के साथ टकरा गया एंड देयर हैज बीन अ फाइट और देयर इज अ पायरेसी इशू, राइट। सो इस तरह के इश्यूज में जब लायबिलिटी और कंपनसेशन की बात आती है, सो टू लुक ऑन दोस मैटर IMO हैज बीन गिवन द पावर्स। सो इस रिगार्ड में IMO इज इन्वॉल्व इन लीगल मैटर्स इंक्लूडिंग लायबिलिटी एंड कंपनसेशन इशूज एंड फैसिलिटेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरिटाइम ट्रैफिक। अगला सॉरी
मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, डोमेन या सिचुएशनल अवेयरनेस, वो भी इसी कंटेक्स्ट में आता है ना? वो आई थिंक ब्रॉडली मैरिटाइम एरिया बोल रहे हो तो आ जाएगा, बाकी यहाँ पे तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली वो बोल रही है, मैम बोल रही है एमएसए के बारे में और एमआरसीसी, ये सब के सब सब हेड्स है, मतलब मेन टॉपिक यहाँ पे है आईयूयू फिशिंग। तो जब उसको स्मॉल स्केल पे बात करते हैं सो वी आर लुकिंग एट एमआरसीसी सॉर्ट ऑफ थिंग, बट जब उसको बड़े उस पर बात करते हैं विच वी जनरली ऑल्सो डू नॉट एज डार्क शिपिंग राइट, जो जैसे से कसाब आ गया और जो सोमालिया के आसपास हो रहा है राइट, सो जो डार्क शिपिंग इश्यूज है उसके लिए एमएसए है, बट ऑल दोज आर जनरली क्लब्ड अंडर द ब्रॉड टर्म ऑफ आईयूयू फिशिंग। सो वो दोनों ही चीजें काइंड ऑफ मतलब यहाँ पे उनके बीच में एक रिलेशन है, सिस्टर रिलेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब नॉट एग्जैक्टली रेस्क्यू वाले बट फिशरीज वाले कॉन्सेप्ट में, आईयूयू वाले कॉन्सेप्ट में, अभी जो डब्ल्यूटीओ का मीटिंग चल रहा है ना, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस शायद मतलब अभी खत्म हो गया, कल तक था वो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो भी थोड़ा देख लेना कि डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज का स्टैंड क्या है फिशरीज को लेके। जैसे डब्ल्यूटीओ में अभी पहले एग्रीकल्चर को लेके बहुत चलती थी भैंस की सब्सिडीज कब कर दो ऐसे वैसे, तो अभी थोड़ा फिशरीज को लेके चल रहा है, तो मतलब वो एक बार देख लेना, चैनल में भी पोस्ट करा है मैंने, तो वही एक एडिशन है। मेरे ख्याल से ये तो जून है, हाँ मई जून में आएगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले वो भी हो गया था, हम लोगों ने अभी क्वाड में साइन भी करा है एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट विच इज ऑन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी, देन उसके पहले केप टाउन एग्रीमेंट और इसको लेके थोड़ा उनको री इन्वोक्रेट करना है तो उसको लेके भी था। सो हाँ वो एक बड़ा इश्यू है जैसा बोला कि अभी क्योंकि उठा था डब्ल्यूटीओ में, सो इट्स बेटर टू डेवलप प्राइमर ऑन इट राइट। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज मालदीव्स प्रेसिडेंट इश्यूज डिक्री बैनिंग इंडिया आउट कैंपेन। सो रिसेंटली देयर वाज अ कैंपेन अगेंस्ट इंडिया इन मालदीव्स राइट, सो जब छुट्टियां बुट्टियां बन गई उसके बाद देयर वाज अ इंडिया आउट कैंपेन व्हिच वाज रिगार्डेड एज एन ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन दैट एम्स टू डिस्टर्ब रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज बाय इनसाइटिंग अनरेस्ट राइट। सो अभी रिसेंटली क्या हो रहा है दैट वी नो द टू ट्रेडिशनल इश्यूज इन एनी कंट्री राइट, पहला होता है कि सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं, दूसरा होता है सोशल इश्यूज, बट पोस्ट कोविड वी आर सीइंग देयर आर सोवरेनिटी इश्यू वेयर पीपल आर मोस्टली सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट बिलीव्स कि हम पहले बहुत सोवरेन थे, हमारे पास सेल्फ गवर्नेंस पावर बहुत ज्यादा थी एंड नाउ वी आर लूजिंग इट राइट। सो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में नाउ देयर इज एन इंडिया आउट कैंपेन ओवर हियर एंड इसमें से जो इसको बैकिंग देने वाले रीजन है उसमें से एक था द उथुरु थेलाफालू अटॉल फॉर द मालदीवियन कोस्ट गार्ड राइट। सो ये डेवलप करना था मालदीव को बट अगेन कुछ ना कुछ उसमें हिंडर आ गया। सेकेंडली हाँ सर ऊपर और उसके बाद जो मिलिट्री पर्सनल की जो स्टेशनिंग हो रही है लाइक जैसे हम निकोबार में डेवलप कर रहे हो अदर लक्षद्वीप में भी हम देखने लगे विच ऑल्सो पर्टेन्स टू जो लक्षद्वीप में इश्यू हो गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला। सो उस चक्कर में भी देयर हैज बीन अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेवलपमेंट विच इज काइंड ऑफ पेनिट्रेटिंग द टेरिटरी ऑफ मालदीव्स। बट द क्वेश्चन इज वाई इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट। सो मालदीव इज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, पहला प्रॉक्सिमिटी है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के पास, सेकेंड सिचुएशन एट द हब ऑफ कमर्शियल सी लेन्स रनिंग थ्रू इंडियन ओशन राइट, एंड देन एज वी हैव नंबर ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स रनिंग बिटवीन दोस बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज, जिसमें से इंपॉर्टेंट है अ पैक्ट विद अ क्रेडिट लाइन फ्रॉम इंडिया फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द मैरिटाइम डोमेन। नाउ मालदीव इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोलंबस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव विच इंडिया इनिशिएटेड envisaging peaceful cooperation India Ocean along with Sri Lanka and Mauritius. And then India is constructing a high impact community development project in various atolls of Maldives. Now India ka jo approach hai again wo sagar mein jo uska main objective aur theme deke rakha hai usi ke through ho raha hai right, which is to assist island nations for in their development comprehensively.
ठीक है, इसमें कुछ ऐड करना है किसी को? उसके अलावा थोड़े से और कंसर्न देके रखे थे, तो पहला है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राइट? सो द पास्ट रिजिम वाज प्रो चाइना व्हिच क्रिएटेड अ गैप इन द इंडिया मालदीव रिलेशनशिप, देन रिलेशनशिप विद चाइना, सो इंडिया की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है एंड इंडिया का जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, इंडिया का आयरन कर्टेन बोलते हैं रेस्पॉन्स में. आयरन कर्टेन, हाँ मतलब उस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काटने के लिए इंडिया भी एक वैसा ही सिमिलर सा इनिशिएटिव है उसको, मतलब जियो पॉलिटिकली हम लोग या इंटरनेशनल रिलेशन में उसको आयरन कर्टेन पॉलिसी से रेफर करते हैं. ऑल्दो जो पहले हमारे सीडीएस थे उन्होंने कैटेगरिकली डिनाई किया था कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जैसा कुछ नहीं है, बट स्टिल एक कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट ही होता है, तो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला चीज देखने को मिलता है. मतलब मतलब शायद नेकलेस था, कोई सा डायमंड नेकलेस था जो मेरे दिमाग में आ रहा था, पता हो सकता है कि यही नाम हो फिर. हाँ मतलब वो ये नाम भी रेफर करते थे, मतलब आयरन कर्टेन भी बोलते हैं और फिर गार्लैंड ऑफ समथिंग है, नेकलेस नहीं, इंडिया का शायद ऐसा एक, ये चाइना का जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. हाँ वो एक ही चीज है, गार्लैंड नेकलेस, वो सब वो उसी लाइन के अंदर है कि वो इंडिया के इस इनिशिएटिव को, क्योंकि फॉर्मल कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं दिया ना, सो अभी तक वो ऐसे ही चल रहा है. गार्लैंड तो अभी बस अफगानिस्तान वाला है ऑफिशियली ना, ठीक है. और उसके अलावा हाँ, द थर्ड मेन इशू इज इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ओइंग टू पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी which is drawing number of Maldivians towards the terrorist groups, right? ठीक है, आगे चलते हैं. So India and EU के बीच में एक नया trade council launch हुआ है. So it is called India EU Trade and Technology Council, or simply TTC, right? So recently जब हमारे वो थे foreign minister वहाँ का EU का tour कर रहे थे, so at that point of time we came to sign this particular initiative which is TTC, Trade and Technology Council, and this particular mechanism will allow both partners to tackle challenges at nexus of trade, trust, technology and security. Ab ye pehla hai India ke liye, second for EU after the US EU TTC of 2021, and TTC signifies enhanced political value of India in uncertain global strategic environment. Now, TTC क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? So it will provide political level oversight to India-EU relationship. It will resolve economic divergences for an early and comprehensive relationships. Bring India-EU politically closer to address current challenges and geopolitical circumstances in Indo-Pacific region. And better coordination multilateral bodies. अब relations में जाए, so early 1960s से India-EU के बीच में relationship develop थे. Now, the India was the first country to establish diplomatic relations with European Economic Community, right? So before even EU was formed, jab wo EEC tha, tab India had prior relationships with it. And EU as a bloc is India's largest trading partner. In 2004, relationship was updated to a strategic partnership, and in 2020, India-EU strategic partnership or road to 2025 was adopted, right? So, दो साल पहले आई थिंक मेंस में क्वेश्चन भी आया था इससे रिलेटेड, वेयर दे वर आस्किंग कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है उतनी चेंज हो रही है, सो उसमें क्या फैक्टर है जो कि कैसी भी डायनामिज्म हो गवर्नेंस में, दैट वुड ऑलवेज प्रोवाइड अ सपोर्ट टू मेकिंग डिसीजन, सॉरी इन डिसीजन मेकिंग फॉर पब्लिक पॉलिसी. सो वन एलिमेंट वॉज, अगर आपके पास सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बैलेंस्ड और अपडेटेड हो, that aids in public policy making, right? So is us regard mein, whether it's dynamic governance or opening of India's foreign relations to EU in a much more hard way, right? So this TTC plays an important part in that particular point of view, right? Now करेंट टाइम्स में क्या क्या फैक्टर्स शेप कर रहे हैं इंडिया यू रिलेशंस? सो पहला है चेंजिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स. सो वी हैव रशिया यूक्रेन वॉर, द यूएस विथड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, राइज ऑफ चाइना एक्सेट्रा.
Then we have convergence of interest in the Indian Ocean, as the Indian Ocean is the main conduit for global trade and energy flows. And then we have a new emerging world order after COVID-19 as EU seeks to move away from a global supply chain that is overly dependent on China. And India can be a viable option for replacement of China. Right. There are some issues which are putting India and EU head on. But yahan pe discuss karenge nahi because I think my ke CA mein bahut descriptively wo aane wala hai, right? After especially when our foreign minister made a statement on the EU problems and world problems, right? ठीक है. इसमें अभी किसी को कुछ add करना है positive side पे India EU को लेके? ठीक. आगे चलते. So recently ECOSOC में India get elected. And from the Asia Pacific states, India was elected along with Afghanistan, Kazakhstan, and Oman. So ECOSOC, one of the six principal organs, hai. Baki paanch principal organs, jaldi se bata do koi. UNSC hai, ICJ hai, ek trusted council thi, but wo defunct ho gaya hai. Aur नहीं याद आ रहा मेरे को, एक क्लास याद नहीं आ रहा. जनरल असेंबली और हाँ सर, जनरल असेंबली और सेक्रेटरीट करेक्ट. ठीक है. हाँ बस इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ भी नहीं था. इसके अलावा उन्होंने चार बॉडीज लेके रखी है. किसी को पीएससी पर्सपेक्टिव से छोटे पॉइंट्स बना के पढ़ना तो ठीक है, एक बार देख लेते हो हिसाब से. सो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट टू एडवाइस ECOSOC ऑन सोशल पॉलिसीज ऑफ अ जनरल कैरेक्टर. सेकेंड, there's a committee on non-governmental organizations, so NGO ke applications aur uske reclassifications ko leke sab jo bhi suggestions wo submit hote hain yahan pe, right? Commission on Science and Technology for Development so holds an annual intergovernmental forum for discussion on timely and pertinent issues affecting science, technology and development. And then Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR, which monitors implementation of international covenant on economic, social and cultural rights by its state parties, right? ठीक है. So अलग अलग again ECOSOC है, one of the six principal organs है UN का. अलग अलग categories में उसने बांट के रखा है. So India Asia Pacific से select हुई है. Not only one country selected like in UNSC, there are four countries selected from Asia Pacific region, and this election has been made by General Assembly. जस्ट है इस पर्टिकुलर टिटबिट का. ठीक है, आगे चलते हैं. अगला है रायसेना डायलॉग, राइट? सो रायसेना डायलॉग वाज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ शिंगराला डायलॉग ऑफ सिंगापुर, राइट? वो ट्रैक वन था, हमारा वाला काफी फ्लेक्सिबल है. एंड इट इज होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन कोलैबोरेशन विद MEA. That is a multilateral conference committed to addressing the most challenging issue facing the global community, and it has been held annually in New Delhi since 2016. Raisina naam pada hai, Raisina Hills hai, the seat of the Indian government, and it has emerged as India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics. It brings together global leaders in policy, business, media, civil society, defense and foreign policy. So is regard mein track 1 diplomacy kya hoti hai, track 2 diplomacy kya hoti hai? वही FTAs and all is track one diplomacy, and track two is मतलब जैसे soft power use किया जाता है वैसे, है ना? नहीं नहीं नहीं, track one मतलब कि government के लोग उसमें participate कर रहे हैं, मतलब state actors participate कर रहे हैं. ठीक है, वो track one diplomacy होती है. और ट्रैक 1.5 का मतलब क्या होता है कि इसमें आप गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स हो गए और प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी साथ में आके नेगोशिएट मतलब डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, और ट्रैक 2 मतलब बैक चैनल डिप्लोमेसी बोलते हैं कि जहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल या जो इनफॉर्मल सोर्सेज है उनका इस्तेमाल हो रहा है डायलॉग करने के लिए, तो वो होता है. निमोनिकल वे था या जो भी शॉर्टकट वे था, इट वाज अ नाइस वे टू रिमेम्बर अ ट्रैक वन डिप्लोमेसी. तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं, हाँ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है, सो लेट्स रिमेम्बर. अगर किसी को याद ना हो तो FTA के थ्रू याद करने की कोशिश करना, बट हाँ इट्स मेनली बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट. सो लेट्स से व्हेन
right now our PM met several heads of various country, right, in quad meetings. So jab wo Biden se mile, this was track on diplomacy where a government is engaging with government in unison. Second hota hai track two diplomacy, which is back channel. Back channel ka matlab hai that unofficial capacity mein कोई कोई तो मिल रहा है. सो लेट्स अज्यूम जब आमिर खान टर्की गए थे, राइट, सो जो आमिर खान और टर्की के प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो जो डिप्लोमेसी हुई, दैट इज ट्रैक टू डिप्लोमेसी, राइट, इट्स द बैक चैनल डिप्लोमेसी. एंड अदर देन दैट, अदर ट्रैक डिप्लोमेसी आज सेट कि ऐसा एग्जिस्ट होता है. ऑफिशियली तो हम ट्रैक वन और ट्रैक टू ही देते हैं. उसके अलावा एक ट्रैक 1.4, जैसे सर ने बताया, इट्स अबाउट एन इशू. सो लाइक अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज हुई, राइट, तो उस वक्त जो भी डिप्लोमेसी हुई थी, इट वाज ट्रैक 1.5. देयर वाज नो गवर्नमेंट अवेलेबल टू नेगोशिएट विद. हाउएवर देयर वाज दिस साइड अदर अदर गवर्नमेंट्स थी, जैसे यूएस हो गई, इंडिया हो गई, चाइना हो गया, आसपास के सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गए, तो उनको तो किसी से बात करना था. सो नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में जाके बात करी तालिबान से और अदर जो स्टेट एक्टर्स थे उसमें. नाउ दिस पर्टिकुलर एंटाइटल्स की एक पर्टिकुलर इशू को लेके हो रहा है, राइट. सो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, बैक चैनल डिप्लोमेसी इज लाइक अ लॉन्ग conversation between two people, while track 1.5 generally is aimed to resolve a particular issue which is coming between two countries. Iske alawa ho jata hai track 3. Track 3 is kind of where everyone meets everyone, right? Yahan pe individuals bhi allowed hai, right? So for example, not exactly, but like music fest ho raha hai, right? So music fest mein you have every official allowed to visit and meet any other personality, right? So track 3 diplomacy is basically open to all. Sometimes it also observed ki jo social media pe apan log baat kar rahe ya public to public interaction ho raha hai, that is also a part of track 3 diplomacy. And then there's a multi-track diplomacy, which is again a term coined because kuch na kuch to banana tha. So this multi-track diplomacy basically means ki alag alag aapne components le liye, to say social media pe interaction hua, uske through aapne fir ek kisi issue ka resolve kara. सो अभी जो एक इशू हो गया था रिसेंटली इंडिया में, उसको लेके वहां के किसी शेख ने ट्वीट करा एंड दैट एंड देन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स केम इनटू एक्शन एंड देन इट ट्राई टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू, राइट. सो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी वो होती है. बट इन कोर देयर आर टू मेन डिप्लोमेसी विच आर ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2, एंड अदर देन दैट अदर्स आर जनरली इनफॉर्म. ठीक है, और रायसेना का, हाँ याद रखना, अगेन शिंगरीला डायलॉग के लाइंस पे बनाया गया है. रायसेना हिल के नाम पे रायसेना डायलॉग है एंड इट इज हेल्ड एनुअली इन दिल्ली बाय ओआरएफ इन कोलैबोरेशन विद एमईए. ठीक है सर, आगे चलते हैं. अगला है ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन. सो टीडीसी क्या है? तो एमईए ने रिसेंटली लॉन्च द प्लेटफॉर्म टीडीसी फंड दैट वुड इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर्स विद द स्टेट सपोर्ट फॉर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द इंडो पैसिफिक रीजन. So the aim is to provide an alternative to the Chinese development partnership model that has pushed parts of the developing world to a debt trap, right? Again, aim bahut zyada specific hai, that the Chinese development partnership model tha, that has pushed parts of developing worlds to a debt trap, right? So to provide a viable alternative in Indo-Pacific region is why the TDC fund was set up by MEA. Now India's Global Innovation Partnership GIP launched with the UK will provide a template to use the TDC fund for trilateral projects with other countries such as Japan, Germany, France and EU. And India's contribution to GIP will be channelized through the TDC fund, right? So we have a global innovation partnership. Again, it not officially but unofficially is an alternative to the Chinese development partnership model, right? Wo GIP ka aim hai, to provide loans so that there are development activities in other countries specifically located in Indo-Pacific region. To fund in GIP, India has established the TDC fund. However, TDC fund ka objective yahan pe clearly mentioned hai. Kya hai? Alternative to Chinese development partnership model to prevent world from debt trap. Theek hai, ye itna hi tha TDC mein. Aage, so global security initiative from China. Now चाइना का है, ठीक है, इसको इसमें इसलिए दिया होगा बिकॉज इट इज अ गुड केस स्टडी, राइट. सो क्या हुआ, विद एन आई ऑन द पैसिफिक ओशन द चाइनीज प्रेसिडेंट हैज प्रपोज्ड अ न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव.
According to China, the new global security initiative will work against the Cold War mentality or hegemonism, power politics, and bloc confrontation. It will counter the US Indo-Pacific strategy, Quad, and AUKUS. Right? So, again, वो लेके आए यहाँ पे अच्छे से, उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस मेंशन है कि कैसे क्या करेंगे. टाइम हो तो देख लेना, इट्स नॉट नेसेसरी. हम जो जनरली सजेशंस में पढ़ते हैं अलग 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 ग्रुपिंग्स के लिए, उन्हीं सजेशंस को कहीं ना कहीं चाइना ने लेके अपना खुद का एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव बनाया. राइट. नेक्स्ट, ITU. सो रिसेंटली वी सॉ दैट इंडिया सिक्योर्ड द लीडरशिप पोजिशन इन ITU काउंसिल. सो ITU का फायदा क्या है, अगेन ICT से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी से उस सेक्टर में जितना भी काम है, ITU has a grip over it, right? So ITU was founded in 1865 और UN की एक specialized agency है. That is governed by Plenipotentiary Conference and Administrative Council. So Plenipotentiary Conference क्या है? It is the supreme organ of the union and ITU has a membership of 193 countries. India has been a regular member of ITU since 1952. And its headquarters is in Geneva, Switzerland. Again, it is mainly, presently, it is more vested in ICT sector, right? Agla, United States Commission on International Religious Freedom. So, ye wahan ka khud ka independent agency hai, which has designated India as a country of particular concern for third consecutive year. So designation is reserved for worst violators of religious freedom. Pakistan, Saudi Arabia, Iran, North Korea, and Russia are also designated as CPCs. That is an this is an independent bipartisan US federal government agency created by 1998 International Religious Freedom Act. And jo US Congress baithti hai usko report submit karti hai, but us report ki binding powers bhi nahi hai like Finance Commission. It is just an advisory or consultative body for the US Congress on international religious freedom, right? And it uses international standards such as Article 18 of the UN, Universal Declaration of Human Rights, aur jo alag alag chote chote ye log khud ki wo bana lete hain norms apne agency mein pass karke, right? So uske basis pe ek report submit karti US Congress to ponder upon the religious issues happening across the globe. Theek hai. So, only the part where it is designating India as a country of particular concern is important for the mains. Uske alawa to theek. Theek hai. Thanks, sir. Aage chalte hain. Economics wala. To, Prasad sir, aap karoge? Haan, sir. Kar deta hoon. Neeti ma'am, kuch bol rahe ho kya? Nahi, main aa gayi hoon, to main kar sakti hoon. Karna hai to kar. नहीं ठीक है, आप प्रिपेयर करके आए हो तो कर सकते हो, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं. बस थोड़ा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना, प्रीलिम्स मतलब वो सही रहेगा. आप ही कर दो. अच्छा ठीक. तो ये न्यूज इस सेंस में है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने दो अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करी है और दोनों में जो एस्टिमेट्स थे पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के वो काफी डिफरेंट लेवल पे है. जैसे हम साइड में ये एक ग्राफ देख सकते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी वर्ल्ड बैंक बोल रहे कि इट्स 22.5% है इंडिया में, बट वही IMF बोल रहे कि इट्स 10.8% है 2011 का डेटा. बट 2019 में अगेन वो डाइवर्जेंस क्लियर दिख रहा है कि वर्ल्ड बैंक इज सेइंग इट्स 10.2% व्हाइल IMF इज सेइंग इट्स 1.3%. तो इसमें हम 1.3 वाला डेटा उठा सकते हैं टू कोट इन मेंस कि हमने एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट कर दी है फ्रॉम 2011 टू 2019. ये हम इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं. वैसे ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट इसका मतलब क्रक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है. GS2 में अगर आप देखोगे तो इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर ऐसे सब टॉपिक है, तो हर साल एक क्वेश्चन उस पर आता है, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन. 2020 में दो क्वेश्चन थे. आई थिंक 2021 में जो था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. 2021 वाला क्वेश्चन था, मैं रीड आउट कर रहा हूँ. Can the vicious cycle of gender inequality, poverty, malnutrition be broken through microfinancing of women SHGs? Explain with example. तो यहाँ पे उसने क्या करा कि दो सिलेबस के टॉपिक्स लिंक कर दिया, पॉवर्टी लिंक कर दिया एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी जो अलग मेंशन है
सोशल जस्टिस वाले पार्ट में, तो इस पे हमारे पास बेसिक फॉडर मटेरियल रेडी होना चाहिए, पॉवर्टी के लिए रेडी होना चाहिए, हंगर के लिए रेडी होना चाहिए, एसएचजीज के लिए रेडी होना चाहिए. तो ये थोड़ा न्यूज देख लेते हैं. तो अगेन बेस्ड ऑन सीएमआई, दैट इज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे, द वर्ल्ड बैंक पेपर फाउंड 12.3% डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी. डेफिनेशंस देख लेंगे हम आगे कि व्हाट इज एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी. तो बेसिकली ये सीधा आप ग्राफ भी कोट कर सकते हो मेंस में, काफी सही रहेगा इफ यू शो कि 2011 से 2019 तक हमने कैसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कम करी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ. देन सेकंड पॉइंट इज इन कंपैरिजन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे एंड अदर डेटा सेट्स इंक्लूडिंग सब्सिडी एडजस्टमेंट्स, आईएमएफ इज सेइंग कि 1.3% अभी हमारी एक्सट्रीम पॉवर्टी, विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्रॉम द इंडिया. तो उस सेंस में इम्पोर्टेंट है, ये वाला फैक्ट इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स ऑब्वियसली प्रो मतलब गवर्नमेंट. तो उस सेंस में नाउ अबाउट पॉवर्टी एंड डिफरेंट, तो पॉवर्टी का डेफिनेशन है, इस पर काफी दिक्कत है कि देयर इज नो यूनानिमस डेफिनेशन पॉवर्टी को लेके, हंगर को लेके, स्पेस डेब्रिस को लेके. तो इसमें जो बेसिक से मतलब कॉमन जनरल परसेप्शन जो होता है वो डेफिनेशन हम कोट कर सकते हैं. सो पॉवर्टी इज ब्रॉडली डिफाइंड एज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और कम्युनिटी विथ लैक ऑफ मनी और एक्सेस टू रिसोर्सेज टू एंजॉय अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. तो ऑब्वियसली हमें ये पता कि इट्स अबाउट लैक ऑफ मनी और रिसोर्सेज. Now it is usually measured as either absolute or relative poverty. Now what is absolute and what is relative? So absolute होते हम एक basic necessities जो होती है life की, for example safe drinking water, food, sanitation, उसके comparison में किसी के पास क्या कमी है वो मतलब extreme poverty. For example यहाँ पे नीचे अगर देखोगे आप example में mention है, people earning less than $1.9 on PPP purchasing power parity a day are considered extremely poor by World Bank. तो ये 1.9 जो होगा वो आपका एक स्टैंडर्ड हो गया जिसके बेसिस पे आप किसी को रेट कर रहे हो कि वो मतलब does it belong to extreme poverty और वो या नहीं है को. तो that absolute कि basic life necessities को compare करा जाता है. While relative poverty is it represents worse income and resource status of a person or a household than what it Then what is thought to be adequate or socially acceptable. Again, socially acceptable क्या होगा? जैसे I think last कोई committee थी जिसने बोला था कि if you have 32 rupees का income per day, तो आप you're not BPL. तो उस sense में ये comparison वाली बात हो जाती है. Relative word indicate करता है कि it's a comparison. Next line is very important. But poverty has many faces, changing with time and place, leading to different poverty measures. I think इसके ऊपर 2020 में question था about multidimensional poverty index जो है उसके ऊपर. Because अगर आप देखोगे तो दिक्कत यही है कि उसको unidimensional देखा जाता है poverty को, कि वो सिर्फ it is related to poverty only कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास resources नहीं है तो आप poor हो. But उसका effect देखा नहीं जाता. तो जो कुछ इश्यूज हैं वो हमारे पास पता होने चाहिए कि व्हाई पॉलिसीज हैव फेल्ड ओवर द इयर्स, हमारे पास आज भी क्यों पॉवर्टी है. तो जो चार पांच पॉइंट्स हैं मैं बता देता हूँ जो मतलब मेरे को याद आ रहे हैं. डेफिनेशन एक पॉइंट कि डेफिनेशंस नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है किसके साथ कंपेयर करना है. देन अगेन एक सेटिस्फैक्ट्री मेथोडोलॉजी नहीं है डिटरमाइन करने के लिए कि कौन पुअर है कौन नहीं है. तो आप अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, फ्रेम नहीं कर सकते हो, बेसिकली फ्रेम नहीं कर सकते, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. अगेन एक बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सोसाइटी या फिर गवर्नमेंट ये अज्यूम करके चलता है कि वेल्थ परकोलेशन होगा सोसाइटी में, कि ऊपर वाले लोग कमा लेंगे तो वो नीचे जाएगा ही. तो ये फॉल्स अजम्पशन है, फॉल्स अजम्पशन ऑफ वेल्थ परकोलेशन. तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसी मतलब बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज हैव फेल्ड ओवर द इयर्स, क्योंकि वो लोग लेके चलते कि हाँ वो परकोलेट हो जाएगा, ट्रिकल डाउन थ्योरी जैसा. एंड अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर इज सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का, जो कंटिन्यूअसली श्रिंक होते जा रहा है. आई थिंक ये वाले बजट में भी इट्स लेस देन 2%
2019 में भी आई थिंक 1.5% था, तो एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि पॉवर्टी एलिमिनेट होगा? तो ये कुछ अप्रोचेस है पॉवर्टी को लेके, इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं, बट आप फिर भी देख लेना. कैपेबिलिटीज अप्रोच अमर्त्य सेन ने दिया था. इट एक्सप्लेन्स कि ये कैसे मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है पॉवर्टी. अगर आपके पास पॉलिटिकल राइट्स है, फ्रीडम है, इन्फ्लुएंस है, तो सोशो कल्चरल स्टेटस डिग्निटी पे इफेक्ट होगा, ह्यूमन वेल्थ एडुकेशन हंगर पे इफेक्ट होगा, देन इकोनॉमिक कंजम्पशन पे इफेक्ट होगा, एंड देन सिक्योरिटी पे इफेक्ट होगा. तो ये ऑल आर कनेक्टेड थ्रू एक्स चैनल और वाई चैनल. तो दैट इज इम्पॉर्टेंट. ये आप डायग्राम निकाल सकते हो मेन्स में सीधा, बिकॉज अगेन ये क्रक्स है, इसी के आजू बाजू में क्वेश्चन आएगा. तो आपके पास ये बेसिक चीजें रेडी होनी चाहिए. पॉवर्टी का कोई एक कमेटी, एक इंडेक्स, देन एक स्टैटिस्टिक, एक अच्छा कोट, ये सब चीजें बेसिक जो फोल्डर बोलते हैं. देन नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स. इस पे तो 2020 में क्वेश्चन था मेंस में डायरेक्टली कि इसके डायमेंशन बताओ और इसमें क्या दिक्कत है. तो दिस इज बाय यूएनडीपी और ये 3 डायमेंशन में बात करते हैं. 10 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, एडुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इसके पैरेलल नीति आयोग एक निकालता है नेशनल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे एलएमपीआई भी बोलते हैं. उसमें कितने इंडिकेटर्स होते हैं कोई बताएगा एज कंपेयर टू एनपीआई? हाँ, 12 इंडिकेटर्स. हाँ, उसमें 10 है, इसमें 12 है, बैंक अकाउंट और फिर मैटरनल इंक्लूड. एंटीनेटल क्या है? एंटीनेटल, नॉट मैटरनल, एंटीनेटल. ये 2 इंडिकेटर्स हमने मतलब ऐड करे उसमें, 10 से हम यहाँ पे 12 में. तो ये अगेन एनएमपीआई आप डायरेक्टली कोट कर सकते हो मेंस में, विच इज नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद यूएनडीपी एंड ओपीएचआई. नाउ टू नो मोर अबाउट, हाँ ये तो हमने प्रीलिम्स में भी देख लिया अबाउट दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. ये इम्पोर्टेंट इश्यूज है. नाउ दिस इज मेंस के लिए इम्पोर्टेंट. Now we still lack a common agreement on what poverty actually is. So issues kya kya hai? Accurate poverty estimate kyun nahi ho pa raha? This is not only in Indian context, but hum Indian context mein samajhne ki koshish karenge. First point is address the intergenerational cycle of poverty. Again, aap agar unidimensional leke chal rahe usse, to aap ye sochoge hi nahi ki wo generation to generation hoti hai. Let's say ye side wala infographic dekh lo. Poor human capital hai children ka. तो उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज कम होगी. वर्क अपॉर्चुनिटीज कम है तो ऑब्वियसली लो इनकम, लो एसेट्स एंड अगेन पॉवर्टी. ये विशेष साइकिल से लोग निकल ही नहीं पाते. तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो मेंस में. सेकंड इज एविडेंस लेड पॉलिसी मेकिंग. डेटा नहीं है आपके पास, तो आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ है नहीं कि किस बेसिस पे आप बोल रहे हो दिस पॉलिसी इज मतलब गुड फॉर पीपल. Now bringing again evidence led policy making, ये keyword है जो आप governance में use कर सकते हो, polity में use कर सकते हो, सब जगह पे use कर सकते हो. Bringing inclusive growth, obviously सब factors are leading to only one point कि आप उसे unidimensional consider कर लो, ठीक है. Fourth one is ensure full and effective enjoyment of human rights by ensuring civil generalistic point. Fifth is finding areas of socio economic discrimination within communities. Now दिस इज इम्पोर्टेंट. आप पॉवर्टी को सिर्फ इकोनॉमिक एंगल से, लेंस से नहीं देख सकते हो. आपको सोशल डिस्क्रिमिनेशन विद इन ग्रुप्स, विमेन जो डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन ऑफ चिल्ड्रन फेस करती है, देन टाइम पॉवर्टी का एक अगेन कॉन्सेप्ट ये इम्पोर्टेंट है इसमें. टाइम पॉवर्टी आप सीधा कोट कर सकते हो मीन्स में. तो आई थिंक सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन भी इम्पोर्टेंट है पॉवर्टी के, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. संजय आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे ऊपर प्लीज. तो टाइम पॉवर्टी है. टाइम पॉवर्टी इज द स्टेट ऑफ हैविंग लिटिल टाइम फॉर सेल्फ. खुद के लिए टाइम नहीं है अपने पास. दैट लीड्स टू पुअर फूड चॉइसेस, जैसे लोग ऑर्डर कर लेते हैं रादर देन ईटिंग घर का खाना एंड ऑल. देन हेल्थ, मेंटल स्ट्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये टाइम पॉवर्टी इज अ कीवर्ड. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस इन एक्यूरेट पॉवर्टी एस्टिमेशन? नाउ इफ यू रीड दिस 5 पॉइंट्स, तो ये सब एक जगह पे मर्ज होते हैं. दैट्स डेटा. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा. आपके पास डेटा नहीं है, आप बीपीएल लोग कौन है, आपके पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, आप पॉलिसी कैसे फ्रेम कर रहे हो उसके ऊपर. अगेन ये चीज ओबीसी के बारे में भी हो रही है, बैकवर्ड क्लास के बारे में भी हो रही है.
कोर्ट में बोल दिया गवर्नमेंट ने कि हम डेटा नहीं दे सकते. नाउ इकोनॉमिस्ट बायस, ये एक पॉइंट है. कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट्स इज यूजुअली डोमिनेटेड बाय इकोनॉमिस्ट अंडर द एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन ओवरऑल इकोनॉमी. इट लीड्स टू यूज ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन डेटा एज प्रॉक्सी इंडिकेटर्स. इनकम एंड कंजम्पशन डेटा के बेस पे आप किसी को टर्म कर रहे हो इफ ही और शी इज पुअर और नॉट. तो अगेन इकोनॉमिस्ट बायस इज अ गुड कीवर्ड. डेटा लैक ये कीवर्ड है. जैसे यहाँ पे एक वेरी गुड एग्जांपल इज गिवन कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो हर 5 साल में होना चाहिए, तो 2017 और 18 का डेटा अब तक रिलीज नहीं करा बिकॉज ऑफ क्वालिटी इश्यूज. नाउ यू हैव 10 ईयर्स ऑफ लैक. 17-18 का डेटा नहीं है, उसके पहले वाला डेटा है 12-13 वाला. नाउ इट्स 22 एंड 23, तो 10 इयर्स का आपके पास डेटा नहीं है. अगेन डिफिकल्टीज इन अडॉप्शन ऑफ इंडिकेटर्स, आइडेंटिफाइंग एंड डिजाइनिंग इंडिकेटर्स व्हिच कैन ऑफर मीनिंगफुल कंपैरिजन. आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो इंडिकेटर्स को बिकॉज यू डोंट हैव डेटा. आपको पता नहीं आप कहां पे टारगेट करना है आपको, तो ये डिफिकल्टी है. एंड लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटीज इन क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन. अगेन ये ऊपर वाला पॉइंट, 17-18 का सीएसई डेटा रिलीज नहीं करा बिकॉज ऑफ क्वालिटी नहीं था डेटा. नाउ ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऑल आर लीडिंग टू डेटा ओनली, बट अलग अलग डायमेंशन से बताया. नाउ इट इज कंक्लूजन कि आप क्या कर सकते हैं इसमें. तो इसमें एक कंक्लूजन बहुत सही दिया कि NMPI जो है उसे हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो बाई यूजिंग disaggregated data on sub-indicators. आप sub-indicators पे काम करो. For example, collecting specific data based on gender, age, vulnerability. तो इसके basis पे gender वाला data, age वाला, vulnerability वाला data, उसके basis पे आप broader extrapolation कर सकते हो कि poverty कैसी है. तो disaggregation of data is important. Then shifting to higher low middle income poverty line of PPP, $3.2 जो है उसे shift करना पड़ेगा. And last one is using cost effective high frequency service. Again service जो है वो आपके accurate होने चाहिए, economic modeling उसकी होनी चाहिए, और हमें technology का use करना चाहिए जैसे यहाँ पे बताया wireless technology to capture real time power data. तो यही था important. News का context उतना important नहीं है but उसका क्रक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. संजय किसी को कुछ ऐड करना है इसमें ये टॉपिक में, पॉवर्टी हंगर जो भी है? मैं बोला मतलब इन्होंने ऐसे कमिटीज को लेकर डिस्कस नहीं करा, वो तो खैर होमवर्क हो गया सॉर्ट ऑफ. बट इसमें एक उन्होंने ऊपर पॉइंट देख रखा कि कितना डाइवर्जेंस हो रहा है वर्ल्ड बैंक और IMF में, राइट. सो जो इश्यूज है उनको याद रखना. लाइक सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू है कि हमने अभी तक CES डेटा रिलीज नहीं करा, राइट. सो अभी जो दोनों एस्टिमेट्स आए हैं दे हैव बीन ऑन प्राइवेट एफर्ट्स, राइट. जो पहला वाला है दैट इज IMF का है विच इज वेरी लो, इट इज ड्यू टू जिसमें हम देख रहे हैं कि कितने लोगों ने कितना खरीदा है, राइट. हर महीने कितने लोग कितना खरीद रहे हैं उसके बेसिस पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो दो रिलीज बाय NSO इट डज नॉट एग्जैक्टली डिनोट कि व्हाट इज द रूरल अर्बन डिवाइड एज वेल एज जो तीन स्टेट है लोअर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, तो उनमें कितने कितने परचेसेस हो रहे हैं. इट ओनली गिव्स द एग्रीगेट वैल्यू. सो IMF डेटा वॉज एबल टू अंडरस्कोर दैट लो बिकॉज उन्होंने तो PFC को पकड़ा. वेल जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं सो इट वाज अ प्राइवेट एफर्ट. अगेन दिस वाज बेस्ड ऑन हाउसहोल्ड सर्वेस. तो अलग अलग घर में गए, उनको इन टीयर्स में बांटा, इन पिरामिड में एक पिरामिड बना के उनके टीयर्स में बांट दिया. इस घर से ये इस घर सॉरी ये घर इस लेवल को रिप्रेजेंट करता है एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट दे आर एबल टू शो. And on basis of that particular data, they gave out कि अभी इंडिया में जो पॉवर्टी एक्सट्रीम पॉवर्टी है इट इज अराउंड 10.2%. सो वी हैव प्राइवेट एफर्ट्स एंड इस परस्पेक्टिव में हो जाता है कि ड्यू टू हर इकोनॉमिक्स का आइडिया अलग अलग रहता है. दे आर प्रोवाइडिंग अ वैरीड डेटा फ्रॉम अदर इकोनॉमिक्स एंड दैट इज वाई वी हैव दिस हाई डाइवर्जेंस बिटवीन द डेटा रिलीज बाय IMF एंड वर्ल्ड बैंक, राइट. सो हमारे पास CES नहीं है, राइट.
ऑफिशियल कैपेसिटी की बात करें सो वी आर नॉट हैविंग ऑफिशियल डेटा. सेकेंड वी डोंट हैव मॉडरेट और सिमिलर व्यूज तो हो भी सकते हैं बट वी डोंट हैव अ मॉडरेट व्यू ऑन पॉवर्टी एस्टिमेशन. पॉवर्टी हटा दो कोई सा भी इकोनॉमिक इंडिकेटर एस्टिमेशन. थर्ड अवेबिलिटी ऑफ डेटा. सो डेटा ऐसा है कि डेटा है बट डेटा का ना क्वांटिफिकेशन है ना क्वालिफिकेशन है. सो इन US एंड अदर हाई स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज राइट नाउ ऑल्सो देयर हैज बीन अ वे वेयर दे आर ऑल्सो कैलकुलेटिंग कि जो थर्ड जेंडर है उस वो कितना पॉवर्टी में है या उससे रिलेटेड अदर जो हो जाते हैं जैसे नेशनल इनकम हो गई और देयर आर लेट्स अज्यूम एनी इकोनॉमिक इंडिकेटर. सो वी आर एसोसिएटिंग कि थर्ड जेंडर का कितना है वुमेन का कितना है सो दैट व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ वुमेन बेस्ड बजटिंग राइट और वी आर गोइंग से दिस थर्ड जेंडर बेस्ड बजटिंग वी शुड हैव अ प्रॉपर इंडिकेटर ऑन विच वी कुड डिसाइड कि भाई क्या करना है राइट. सो वी डोंट हैव डेटा का क्वालिफिकेशन वी डोंट हैव डेटा का क्वान्टिफिकेशन वी डोंट हैव ऑफिशियल डेटा एंड वाइल कैलकुलेटिंग डेटा वी डोंट हैव अ मॉडरेट व्यू ऑन हाउ टू एस्टिमेट इट है ना. सो वो उसी कारण से वर्ल्ड बैंक को IMF में इतना वैरियंस था. अगर आंसर में कोट करते हैं तो उसे प्रसाद सर ने बोला कि इट्स बेटर टू कोट IMF बिकॉज IMF इज बेस्ड ऑन PFSE बट अगेन बोथ आर बेस्ड ऑन प्राइवेट एफर्ट्स राइट. जो PFSE बेस्ड है वो भी आई थिंक अरे वो इंडियन एक्सप्रेस के कौन से वाले है जो हर मतलब उनका आर्टिकल ही छपता रहता था भल्ला करके IMF के डायरेक्टर भल्ला सुरजीत भल्ला राइट. सो सुरजीत भल्ला के प्राइवेट एफर्ट्स से आया राइट अगेन नॉट ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने कुछ कैलकुलेट करा है वो सुरजीत भल्ला के टाइम से आया वाइल्ड वर्ल्ड बैंक हैज कैलकुलेटेड फ्रॉम CMII राइट. सो इतना डीप में नहीं आता रखना पर इतना याद रखना की जो प्रॉब्लम्स है दे आर एक्यूरेट दे आर एग्जिस्टिंग एंड इसमें कमिटीज मेंशन नहीं है कि कमिटीज ने कैसे एस्टिमेट करा था उन्होंने क्या बोला था और उनके अकॉर्डिंग क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं एस्टिमेशन को लेके वो होमवर्क सॉर्ट ऑफ हो गया राइट. सुरजीत भल्ला की क्रेडिबिलिटी मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी तो पहले से बहुत क्वेश्चन में बिकॉज ही हैज बीन राइटिंग लाइक फेवरिंग गवर्नमेंट फॉर सो लॉन्ग नाउ बट मतलब टू कोट IMF में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि we have to write some goody goody things na paper mein to us sense mein maine IMF bola tha baki aap to sahi bata rahe ho wo to sahi hai. Hello Sanjay sir ya ha theek hai sure fir aaj ke liye hi stop karte na theek.